जय माता दी। आज आपको एक चूड़ी का बहुत अच्छा सेट बनाना सिखा रही हूँ। करवा चौथ का त्यौहार बिल्कुल पास में है और ऐसे में हम तरह तरह की ड्रेसेस लाते हैं अपने लिए, उनके साथ की मैचिंग की चूड़ियाँ भी लाते हैं। लेकिन हमारी बहनों के लिए, भाभियों के लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि चूड़ियों का सेट कैसे बनाए। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ये मेरी साड़ी है, आप देख रहे हैं, ये मेरी साड़ी है और इसकी मैचिंग के लिए मेरे पास में कुछ चूड़ियाँ हैं। और इसके लिए मैंने कोई नई चूड़ियाँ नहीं मंगाई हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने कोई नई चूड़ियाँ नहीं ली हैं, और क्योंकि मेरे पास में रखी हुई हैं। आप जानते हैं कि इतनी सारी साड़ियाँ होती हैं, सब होता है, तो बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह हमारे पास होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हम नई लाएँ। तो देखिए, ये हमारे पास में इतनी चूड़ियाँ हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में गोल्डन कांच की चूड़ियाँ हैं और ये पिंक कलर की हमारे पास में कांच की चूड़ियाँ हैं और ये हमारे पास में गोल्ड के कड़े हैं। और अगर आपके पास गोल्ड के कड़े ना हो तो इसकी जगह आप कोई भी गोल्ड पॉलिश का कड़ा ले सकते हैं, या दूसरा मैं सेट दिखा रही हूँ, ये मेरे पास एक कड़े का पूरा सेट है। ये देखिए, ये पूरा कड़े का सेट है मेरे पास में, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं। और ये मेरे पास में कुछ पिंक कलर की मेटल की चूड़ियाँ हैं। तो देखिए, अब ये मेरी साड़ी है और ये चूड़ियाँ हैं। तो देखिए, पूरी तरीके से ये मैच कर रही हैं, इसमें अच्छी तरीके से मैच कर रही हैं। अब इनका मैं आपको सेट बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, अगर आप थोड़ी सी कम चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं तो ये मैंने एक छोटा सा सेट बनाया है। अब इसमें देखिए, साइड में मैंने गोल्ड कड़े लगा दिए, ये मैंने मेटल की पिंक चूड़ियाँ लगा दी और ये मैंने गोल्ड चूड़ियाँ लगा दी हैं। तो इनमें ये बीच में एक एक डिजाइनर चूड़ी है और उसके बीच में सादी चूड़ियाँ हैं। और ये छह चूड़ियाँ मैंने कांच की पिंक कलर की लगा दी और उसके बाद इधर मैंने ऐसे ही लगा दिया। तो देखिए, ये पूरा एक सेट बन के रेडी हो गया है। और अगर आप हैवी सेट बनाना चाहते हैं और हाथ भर के आप चूड़ियाँ पहनते हैं, आपको चूड़ियाँ पहनना पसंद है, तो एक और मैंने सेट बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मैंने ये सेट बना के रेडी किया है। अब इसमें मैंने क्या किया है, ये गोल्ड के कड़े तो हमारे जैसे उसमें लगे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें साइड में मैंने डाल दिए। उसके अलावा जो ये हमारा पिंक कलर का चूड़ी का सेट है, कंगन का, इसका जो एक ये साथ में वाला कड़ा था, ये भी मैंने साइड में डाला। और ये तीन चूड़ियाँ गोल्डन, ये मेटल, फिर ये गोल्डन, फिर ये कांच की चूड़ियाँ, और उसके बीच में मैंने ये पिंक कड़ा डाल दिया। तो देखिए, ये एकदम हैवी और बहुत ही बढ़िया सेट बन के रेडी हो गया है। तो देखिए, अपने आप में दोनों सेट एकदम अलग से हैं। और अगर इनमें से आप कम चूड़ियाँ पहनते हैं तो आप ये वाला सेट पहन सकते हैं, आप जबको ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना पसंद है तो आप ये सेट पहन सकते हैं। और दोनों ही अपने आप में बहुत ही सुंदर लगते हैं सेट पहन के। और अब मैं आपको इनको साड़ी के साथ में दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारी साड़ी है और ये हमारा चूड़ियों का सेट है। तो देखिए, इनमें से आप कोई भी सेट इस साड़ी के साथ में पहनेंगे, ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है और आप खुद भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगने वाली हैं। तो अगर आपको ये सेट पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।